तो हेलो गाइस, तो आज आपको हम पुट्टी के बारे में बताएंगे। जो कुछ बहुत लोग जो सिर्फ एक या दो पुट्टी के बारे में जानते हैं, लेकिन आज आपको हम चार तरह के पुट्टी के बारे में बताएंगे, जो कौन कौन से जगह में क्या क्या यूज़ आता है। जैसे नॉर्मली पुट्टी जो आप जानते हैं, जो आपका बोरी वाला पुट्टी आता है जो वाल पे लगता है, लेकिन उसके सिवा जो पेंटर वगैरह होते हैं वो सिर्फ एक और ये जानते हैं कि एक्रेलिक पुट्टी आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जैसे कि एक्रेलिक पुट्टी हो गया, मिस्त्री लोग वगैरह जानते हैं कि आपके फर्नीचर में और फिनिशिंग करने के लिए, अच्छा फिनिशिंग करने के लिए वाल पे भी बहुत जगह लगता है, फॉल सीलिंग पे लगता है, प्लाई पे लगता है, लेकिन इससे ज़्यादा लोग नहीं जानते कि और कौन सा पुट्टी आता है। ये आपका बोरी वाली पुट्टी जानते हैं और पेंटर लोग बहुत हद तक ये आपका एक्रेलिक पुट्टी जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारा पुट्टी आता है, जैसे कि लोहे पे लगने के लिए, गाड़ी पे लगने के लिए। इसके बारे में बहुत लोगों को नॉलेज नहीं है, ना आपको हम उसके बारे में भी जानकारी देंगे, जैसे इसमें कौन सा पुट्टी कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है और कितने तरह का पुट्टी आता है। ये दो तरह का हो गया, और ये आपका दो तरह का ये जो पुट्टी हो गया, जैसा कि आप देख रहे हैं SD का जो पुट्टी है, ऑटोकोट ग्रे पुट्टी, ये आपका लोहा पे, अगर आपका दरवाज़ा वगैरह है यहाँ पे वेल्डिंग वगैरह करवाते हैं, गैपिंग हो जाता है उसके जगह इसको फिल कर दिया जाता है। नॉर्मली गाड़ी पर यूज़ होता है ये, और ये आपका गड्ढे पे वगैरह आपका गाड़ी में, जैसे कि आपका दरवाज़ा गैपिंग वगैरह है तो उसमें आप भर कर पेंट करने से आपका दरवाजे पर रस्ट जो लगने का प्रॉब्लम होता है, वो जब गड्ढा हो जाता है वहाँ पे पानी जाकर रस्ट लग जाता है बाहर के दरवाजे पे, उसका मसला आपको प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। या फिर कभी भी कूलर वगैरह कुछ भी इस तरह का टीना या लोहा में आपको प्रॉब्लम आता है उसको आप फिल कर सकते हैं। जैसे कि हाईवे डे में इसके लिए गाड़ी में स्पेशली यूज़ होता है, नॉर्मली घर पर तो यूज़ नहीं होता है ये आपका। ये बॉम्बे पुट्टी इसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका हैवी डेंट के लिए आता है, इसके साथ में पेस्ट आता है और ये हैवी डेंट पे ही काम आता है। नॉर्मली आपके लिए ये तीन पुट्टी ही काम के लिए है नॉर्मली यूज़ में, आपका एक्रेलिक पुट्टी, बोरी वाली पुट्टी और ये आपका LG पुट्टी। ये बॉम्बे पुट्टी बहुत ही कम यूज़ होता है। थैंक यू।